हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है ये 4th of October का, और दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फेस पैक। तो अभी आपको पता है कि बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल हैं, तो अपने आप को भी सजाना है, संवारना है ना, तो उसी के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने कॉफ़ी पाउडर लिया है, उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया हनी, और इसके बाद ऐड किया कोकोनट ऑयल, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे कर्ड ऐड कर दे रही हूँ। तो ये सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और ये हमारा फेस पैक बनके तैयार है। बिलीव मी दोस्तों, ये बहुत अच्छा है। आपके स्किन पे अगर टैन है तो उसको रिमूव करेगा, एक अच्छा सा ग्लो लेके आएगा। तो आप लोग भी घर की रेमेडी ज़रूर यूज़ करना। मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जो कुछ भी मैं लगाऊंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए, मैंने फेस पर लगा और बचता है तो मैं अपने हाथों पर भी लगा लेती हूँ। तो 10 मिनट तक मैंने अपने फेस पे लगा के रखा फेस पैक को, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। नहा के आई हूँ तो अभी सीधा किचन में आई हूँ, पूजा इन्होंने कर ली है। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे लंच में आलू गार की फली। इनको बहुत पसंद आती है सब्जी, मुझे भी बहुत पसंद आती है। मैं बिना लहसुन प्याज की बनाना पसंद करती हूँ, उसको बहुत कम बनाती हूँ मैं लहसुन प्याज के साथ। तो बस यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया था, उसके बाद मैंने फलियाँ डाल दी थी, फिर टमाटर डाल दिए थे, फिर मसाले डाल दिए थे, नमक डाल दिया था। ये सब्जी बन के तैयार है। फुल रेसिपी नहीं दी है और क्योंकि ना बीच में लाइट चली गई थी, इस टाइम पे भी लाइट नहीं है, एक ही लाइट ऑन है इन्वर्टर वाली, तो उसमें मैं खाना बना रही हूँ। तो वह सब्जी बन चुकी है, दाल बन चुकी है, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। मैंने राइस नहीं बनाया है क्योंकि कभी कभी बना लेती हूँ, कभी कभी नहीं बनाती हूँ। जल्दी हो रही थी और इनको निकलना था काम से, तो मैंने फटाफट से इनके लिए रोटियाँ बना दी और बस हमारा लंच बन जाएगा। मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ, सीधा लंच बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं ना तो फिर लंच नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं सीधा लंच ही बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट कभी कभी बनाती हूँ जैसे कि मन करता है। कुछ लोग बोलें कि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो हम लोग ब्रेकफास्ट की जगह ना चाय के साथ में बिस्किट वगैरह ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लेते हो, कभी कभी हम बना भी लेते हैं। खाली पेट चाय तो हम नहीं पीते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पूजा करने से पहले कुछ मत खाया करो, लेकिन नहीं हो पाता अभी हमारे साथ में कभी। आपको पता ही है मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, हम दोनों अकेले ही हैं और मुझे सुबह उठने के बाद चाय लगती है, तो फिर मैं चाय के साथ में बिस्किट ले लेती हूँ, क्योंकि डॉक्टर ये बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है अगर आप खाली पेट चाय लेते हो। तो ये हमारी लंच की थाली थी, आपको मैंने दिखा दी। उसके बाद मैं थोड़े से कपड़े हाथों से वॉश किए थे, अभी ना डेली ही कपड़े वॉश हो रहे हैं और प्रेस हो रही है, क्योंकि ये सभी काम से मुझे फ्री होना है, क्योंकि कभी भी शिफ्ट वगैरह कर सकते हैं ना, इसलिए मैं सोच रही हूँ कपड़ों का काम ना रहे, फिर बीच बीच में कहाँ मैं मशीन लगाती रहूँगी। और फाइनली हमने मतलब सोच लिया है कि हमें कहाँ शिफ्ट करना है, घर देख लिया है। और लेकिन मैं अभी कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था और वो कैंसिल हो गया था, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। उसके लिए थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। और कब शिफ्ट करेंगे अब मैं आपको इतना तो बता ही सकती हूँ, हम लोग अभी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं कड़वे दिनों में, हम लोग अब नवरात्रियों में ही शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरा एक ये कफ्तान सूट है, जिसका ना ये मैं वैष्णो देवी इसको पहन के गई थी, तो इसका जो ऐसे टजल्स लगा हुआ था वो निकल गया था, तो मैंने उसको यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से थोड़ा बहुत काम मैं कर लेती हूँ, लेकिन बहुत कम करती हूँ। आपने बहुत कम देखा होगा मुझे इस तरीके के काम करते हुए। तो छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं अगर आप करने के लिए बैठते हो ना, तो बहुत सारे काम निकलते हैं। तो आज मैंने दिन में आराम नहीं किया, लंच करने के बाद सीधा मैं काम में लगी रही। धूप बहुत तेज़ है बाहर, आप देख सकते हैं कर्टन से आपको धूप दिख ही रही होगी। तो बस मैंने इसको लगाया, इसके बाद मैं कपड़े जितने भी थे थोड़े बहुत सेट किए। और ये जो ब्लाउज़ मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था ना, ये मुझे बहुत गंदा सा लग रहा था, शायद मैंने ऐसे पहन के और बस जस्ट उतार के ऐसे ही रख दिया था, उसकी वजह से हो गया होगा, स्वेटिंग की वजह से। तो मैंने इसको वॉश किया अच्छे से और फिर मैं इसको अभी प्रेस लगा रही हूँ। तो प्रेस लगा के बस यही रह गया है, बाकी जितने भी चेयर पर कपड़े रखे हुए थे ना, सारे के सारे मैंने प्रेस कर दिए हैं। और कल लगाया था मैंने प्रेस, पूरा दिन मतलब मैंने प्रेस ही किया, बहुत टाइम लगा क्योंकि बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था। लास्ट ब्लॉग एंड किया था बस मॉर्निंग में, उसके बाद मैंने आफ्टरनून से इवनिंग तक कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस यहाँ पे मैं अभी बर्तन साफ कर रही हूँ, और लास्ट ब्लॉग में किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप सिंक को साफ नहीं करते हो, कि आपके सिंक में कितना जूठन है, कितने पानी भर रहा है। तो देखो, पानी इसलिए भर रहा है, जूठन मैं कभी भी, पहली बात तो हमारी छोटी फैमिली हम दो ही लोग हैं, मैं जूठन कभी भी सिंक में नहीं डालती हूँ, हम ऐसा कुछ खाना पीना छोड़ते ही नहीं है थाली में जो जूठन आएगा यहाँ पे। और पानी इसलिए भर गया था क्योंकि
जो पानी जाता है ना उस जगह में कटोरी फंसी हुई थी, ठीक है। तो वो मैं जैसे बर्तन साफ होते जाते हैं वो निकलता जाता है पानी। और कभी कभी क्या होता है ना, मुझे जल्दी होती तो मैं जैसे हम किसी भी चीज़ को पील करते हैं ना, जैसे आलू हो गया, खीरा हो गया, तो मैं उसमें ही डाल देती हूँ। फिर सारा जब काम कर लेती हूँ तो सिंक में से निकाल के फिर मैं अलग डस्टबिन में उसको डालती हूँ, क्योंकि मैं किचन में डस्टबिन नहीं रखती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी होती तो मैं सिंक में ही डाल देती हूँ। क्योंकि स्लैब पर रखूंगी फिर स्लैब को साफ करूंगी, मुझे साफ सुथरा स्लैब बहुत पसंद है, इसलिए मैं सिंक में डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है, सिंक मेरा बिल्कुल भी जाम नहीं है, अभी आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन है। और मैं बहुत बार आपको बर्तन वॉश करते हुए दिखाती हूँ तो कभी भी पानी ऐसा नहीं भरता है। कभी कभी उसमें बर्तन फंस जाता है ना, जहाँ से पानी जाता है वहाँ पे बर्तन आ जाता है ना, तो उस कारण पानी एकदम से भरने लग जाता है। तो वो तो जब जैसे ही बर्तन खत्म होंगे, बर्तन साफ हो जाएंगे, तो पानी अपने आप निकल भी जाता है। तो मैं बहुत साफ सफाई रखती हूँ, आपको ये तो पता ही है, मेरे ब्लॉग के थ्रू आप डेली देखते ही है, ऐसा नहीं है, सिंक मेरा एकदम साफ है। और उसके बाद में काम करते करते बीच बीच में थोड़ा बहुत फ़ोन भी आ जाते तो उन पर बात कर लेते। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पे नेल पेंट आज रिमूव करके लगा रही हूँ, मेरा मन कर रहा था, क्योंकि फिर गंदे से लगने लगते हैं हाथ ना, ऐसे नेल पेंट बीच बीच से निकल जाता है। तो और पैरों में तो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, तो पैरों में भी अभी लगा ले रही हूँ ठीक से। A few moments later. तो पतिदेव आ गए हैं और मैंने चाय बनने के लिए यहाँ पे रख दी थी, तो बस यहाँ पे चाय को मैं छान देती हूँ दोनों के लिए। और चाय थोड़ा सा ज़्यादा ही कड़क हो गई है आज, पता नहीं कैसे चाय पत्ती ज़्यादा डल गई थी। और साथ में ये लेके आए हुए थे पानी पूरी, मेरा बहुत मन कर रहा था, मैंने इनको 2 दिन पहले बोला था कि मुझे पानी पूरी पीना है, तो आज इनको याद आया तो आज लेते आए। और मैंने एक्स्ट्रा पानी मंगाया था क्योंकि मेरे पास जो मार्केट की रेडीमेड वाली होती है ना पानी पूरी, वो भी रखी हुई, तो मैंने इनको ये बोला था कि पानी थोड़ा ज़्यादा लेके आना जब भी लाओ, जैसे हम वो वाली पानी पूरी भी खा के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि थोड़ी सी बची हुई हैं उनको फ्राई करेंगे और पानी घर में कौन बनाएगा, वो झंझट होती है, इसलिए मैं पानी बाहर से मंगा लेती हूँ। जो भैया के यहाँ से हम हमेशा पीते हैं ना पानी टिक्की, तो वो ना दे देते हैं ऐसे एक्स्ट्रा पानी, तो ये एक्स्ट्रा पानी लेके आया हूँ। वैसे भी मुझे ना पानी अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसे लगता है ना कुछ तीखा खाने के लिए थोड़ा सा पानी पी लूँ, बहुत मज़ा आता है। तो आज हम लोग ये खा लेते हैं और फ्रिज में रख दूंगी पानी में, 1-2 दिन तो आप स्टोर करके रख सकते हो आराम से, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। और कल मैं बनाऊँगी पानी पूरी जो रेडीमेड वाली होती है ना, उसको बना लूँगी। तो बस यहाँ पे पानी पूरी देख के सबके मुंह में पानी आता है, इनको नहीं पीनी थी, ये ऑलरेडी पी के आए हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरे साथ 1-2 तो पी ही ली थी। मैं भी बोलती हूँ कि अब मेरे साथ में अकेले ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, खाना चाट हो गई या पानी पूरी हो गई, अकेले मज़ा नहीं आता जब तक सब लोग साथ में ना बैठे। तो सब लोग को तो हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो मैंने बोला कि यार 1-2 तो पी लो मेरे साथ में, तो फिर उन्होंने 1-2 पी ली थी। और ये है मसाला आलू का, लेकिन ये मसाला ना थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा था, आलू ना पक्का मीठे वाले होंगे इसलिए लग रहा था। 1 hour later. तो पानी टिक्की वगैरह पीने के बाद मैं थोड़ा बहुत हम लोगों ने बातें बातें की, और अभी यहाँ पे मैंने मशीन लगाई है। मॉर्निंग में हाथ वाले कपड़े जितने भी थे वो सारे वॉश हो गए थे, अब इनके जो जितने भी पैंट जीन्स होते हैं ना वो हाथों से वॉश नहीं होते, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होते, तो मैं तो इनको मशीन में ही डालती हूँ। तो मशीन लगाई थी, मैंने थोड़े से कपड़े वॉश किए, उसके बाद में बीच बीच में मैंने डिनर भी रेडी कर लिया। इन्होंने बोला कि कुछ नहीं हल्का फुल्का सा खाना है, तो फिर मैंने ये पुलाव बनाया और आम के अचार के साथ घी डाल के ना बहुत टेस्टी लगता है, गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो दोनों ने हमने अपना डिनर किया, बहुत सिंपल सा लाइट सा डिनर है और मुझे बहुत पसंद है। अब तो सर्दियाँ आ रही, सर्दियों में मटर चावल तो मेरे फेवरेट रहेंगे हमेशा ही, आप लोगों के भी होंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। किचन पूरा नीट एंड क्लीन है, अब मैं आ गई अपने बेडरूम में और बस यहाँ पे सारे कपड़े मैंने लगा दिए थे, ये रखने के बचे हुए हैं और थोड़े बहुत मुझे अंदर भी रखने हैं। अब रखना ही क्या है, अलमीरा भी आप मेरी देख सकते हो, मैस हो रही है, जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना है, एक वो बहुत बड़ी टेंशन है माइंड में, तो इसलिए मैं प्रॉपर अब इसको ठीक नहीं कर रही हूँ, बस कपड़े रख दे रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि अब तो सीधा शिफ्ट करेंगे तो फिर जहाँ भी जाएंगे वहीं सेट करेंगे कपड़ों को। तो आज मैंने ये बहुत दिन के बाद ड्रेस पहना था, ये ड्रेस है तो बहुत अच्छा, कंफर्टेबल भी है, बहुत लाइट भी है, लेकिन इसका जो ऊपर का नेक है ना वो बहुत प्रॉब्लम करता है मुझे, ऐसे बार बार इसको नीचे करना पड़ता है, एकदम से गले तक आ जाता है ये, तो थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल फिर मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही फंस रहा है गले में, तो वो करना पड़ता है मुझे, बार बार इसको नीचे करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे भी मैं अपना बैग पैक कर रही हूँ और ये आपको लास्ट व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैं कहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। बहुत पैर दर्द कर रहे हैं मेरे, रात के 11 बज गए, अब फ्री हुई हूँ सारे काम से, मुझे थ्रेडिंग करवाने जाना था, मैं नहीं गई, मैं करवा चौथ पे ही करवाऊँगी इस बार कर थ्रेडिंग अपनी, मैं बहुत कम करवाती हूँ क्योंकि मैं ट्रिमर से ही कर लेती हूँ, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ना
जब मैंने अपना हेयर कलर लिया था ना, तो उस टाइम पे मैंने करवा ली थी उन्हीं से, तो अब मुझे करवानी पड़ेंगी। मैं करवा चौथ पे करवाऊंगी इस बार अपनी शेडिंग। और दोस्तों, इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं। आपको पसंद आए दिन भर का रूटीन तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। हालत बहुत ख़राब होने वाली है मेरी अभी तो। आज मेरे एक पैर में इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं उसे बता नहीं सकती हूँ। रात के 11 बज रहे हैं, व्लॉग एडिट करना है, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है। और आगे आने आने व्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो कि मैं अभी से नहीं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ना मैं ना चीज़ें शेयर कर देती हूँ ना, तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ें होती नहीं है। इसलिए ना मैं अभी आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं प्लीज़ थोड़ा सा वेट की, उससे कोई सस्पेंस नहीं रख रही हूँ। बस मैं इसलिए नहीं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे आप किसी के साथ शेयर कर देते हो ना, फिर वो आपकी चीज़ें होती नहीं है। इसलिए सॉरी प्लीज़। और आप लोग डेली व्लॉग वॉच कीजिए। मैं कोशिश करूँगी डेली व्लॉग देने के लिए, लेकिन फिर भी एक आधे दिन का गैप तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं भी थक जाती हूँ। अभी मैं बहुत दिन से कहीं निकली भी नहीं हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब देखते हैं, बहुत पैर में दर्द हो रहा है। चलिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, बाय बाय। इतनी सारी साड़ियाँ लगी इनको सबको, मुझे यार कैसे मैं पैक करूँगी इस बार। कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा हैं, कैसे क्या होगा वो तो देखेंगे। शिफ्टिंग में होगी, हालत ख़राब।